सो है गाइस, तो आज हमने बनाया एक आरसी हाई स्पीड बोट। तो गाइस देख सकते हो, तो इसमें मैंने 1000 KV का BLDC मोटर का यूज़ किया है और इसको शाफ्ट के लिए मैंने पेन का यूज़ किया है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसका प्रोपेलर जो ब्लेड है ये भी 3D प्रिंटेड है। तो गाइस इसका मैकिंग वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसका पूरा नाम है आरसी, मतलब सिंपल सुपर हाई स्पीड बोट। और इसका स्टील फाइल आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो लेट्स मैक इट। तो गाइस, तो मैंने सारे पार्ट्स को प्रिंट कर लिया है 3D प्रिंटर से। तो अभी इसे असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए, मैं फेविक्विक का यूज कर रहा हूँ। तो गैस मैं यूज़ कर रहा हूँ 1000 KV का BLDC मोटर, और इसके ऊपर मैंने एक शाफ्ट एडाप्टर लगा दिया है प्रोपेलर शाफ्ट एडाप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर है हमारा 30 एम्पीयर AC और CT6BR का रिसीवर, ये हमारे पास देख सकते हो। यह है एक 3D प्रिंटेड RC बोल्ट प्रोपेलर, और इसको मैंने एक 1.5 mm की रॉड के साथ फेविक्विक से चिपका दिया है। तो वैसे इसका मैंने थ्रस्ट टेस्टिंग किया, तो काफी अच्छा खासा थ्रस्ट दे रहा है। तो थोड़ा सा ये, मतलब ये 40 mm का है, ये 60 mm होता तो और ज्यादा थ्रस्ट देता। तो अभी तो मैंने इसे फिक्स कर दिया, तो इसी से टेस्टिंग करेंगे और इसी से चलाएंगे अभी। तो और एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ से पानी लीकेज कर रहा है, पेन जो हमने पेन लगाई है जो शाफ्ट, और इसमें जो हमारा जो ये रॉड है और पेन के बीच में जो गैप है, वहाँ से जो पानी जा रहा है यहाँ से और सीधे यहाँ पर पानी आ रहा है, मतलब इधर से अंदर जा रहा है बोर्ड के अंदर। इसका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा खासा तैर भी काफ़ी अच्छा खासा रहा, तो इसका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने प्रोपेलर शाफ्ट के साथ एक DC मोटर का शाफ्ट को एडप्ट कर दिया है, और यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। तो गाइस DC मोटर के शाफ्ट के साथ एक DC मोटर का एक बूस आता है जो मतलब बहुत टाइट होता है, मतलब लीकेज नहीं करेगा पानी को, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो, ये है इसके DC मोटर का बूस, और ये इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा, और इसे मैं फेविक से चिपका दूंगा तो ये अच्छे से काम करेगा और ये पानी लीकेज को भी बंद कर देगा। तो गाइस यहाँ से जो पानी लीकेज कर रहा था उससे तो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन प्रिंटिंग फॉल्ट की वजह से, मतलब कहीं कहीं प्रिंट नहीं हुआ ठीक से, तो उसके गैप रह गया, वहां से पानी लीकेज कर रहा है। तो वहां पर फेविक्विक लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा।
तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने रिसीवर को पैकिंग कर दिया पॉलिथीन से, कि अगर बाय चांस हमारा इधर नाव डूब जाता है तो ये किसी तरह डैमेज नहीं होगा, मतलब रिसीवर ख़राब नहीं होगा। बाकी बात ए सी ख़राब हो सकता है और मोटर तो ख़राब नहीं होगा और बैटरी ख़राब हो सकता है, तो हमारा रिसीवर बच जाए। Mm-hmm.